शिवपुत्र ही सही, पर है तो ये एक नन्ना अबोध सा बालक ही। अकेले इन पांचों का सामना कैसे कर पाएगा ये देवराज? मैं समझ नहीं पा रही महादेव, ये परीक्षा मेरी है या मेरे पुत्र की? मैं उसे जन्म भी नहीं दे पाई, उसे दुग्धपान भी नहीं करा पाई, और अब इस आपदा के क्षण में मैं उसकी सहायता भी नहीं कर सकती। स्वामी, यदि एक बिल्ली की संतान भी किसी संकट में फंस जाती है तो वो सींगनी की तरह उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ जाती है। स्वामी, ये असुर दुष्ट है, क्रूर है, मायावी है, हम अपने पुत्र की रक्षा कैसे कर पाएंगे? यदि हमारे पुत्र को कुछ हो गया तो कैसे होगा? आप केवल अपने पुत्र के तन से दूर हैं, अपने मन के भीतर झांक के देखिए। आपका मन अपने पुत्र से जुड़ा है और वही उसका शस्त्र बनेगा, वही उसे भय से विमुक्त करके विजयी बनाएगा। कैसी रहस्यमयी माया है ये, यहां से बाहर कैसे निकलूं मैं? मायावी असुरों ने कार्तिकेय को कंदरा बन के घेर लिया है। अपनी मायावी शक्तियों से उन असुरों ने भ्राता कार्तिकेय को एक कंदरा में बंद कर दिया प्रभु। हाँ मूषक जी, ये पंचासुर सदा ऐसा ही करते थे, अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को कंदरा में परिवर्तित करके किसी भी गंधर्व या देवता को उसके भीतर बंदी बनाकर कुचल देते थे और उसका भोग कर लेते थे। बालक, जिस किसी को भी स्मरण करना है कर ले, क्योंकि अब तू इस कंदरा से जीवित नहीं लौट सकता। बड़े बड़े देवता तो हमारी पकड़ में आने के बाद अपने प्राण बचा नहीं पाते, तू क्या बचाएगा बालक? बस कुछ ही क्षणों में तुझे घुटन का आभास होने लगेगा, तेरे पूरे तन से स्वेत बहेगा, हाथ पांव शिथिल पड़ जाएंगे, पलके भारी पड़ जाएंगे, हृदय की गति धीमी पड़ जाएगी, और तू ऐसे गिरेगा ना बालक, ऐसे गिरेगा कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा। इन शक्तिशाली मायावी असुरों की माया से अपना बचाव कैसे करेगा पुत्र कार्तिकेय? देवराज, अब तो बहुत समय हो चुका है, इस कंदरा रूपी क्षेत्र में न तो अब तक कोई ध्वनि सुनाई दी और ना ही यहां पर कोई उथल पुथल हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं देवराज कि कार्तिकेय को कुछ हो गया? देवराज, वो तो मात्र 10 वर्ष का है। जिस क्षेत्र में फंसकर बड़े बड़े योद्धा अपने प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाते हैं, वहां ये नन्ना अभूत सा बालक अपनी प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगा? कितने वर्षों तक इस बालक की प्रतीक्षा की थी, हमारी सारी आशाओं का केंद्र बिंदु था कि ये एक दिन तारकासुर को पराजित अवश्य करेगा, पर ये क्या, ये तो उसके भेजे हुए राक्षसों में फंस कर रह गया है। महादेव, महादेव, अब क्या होगा महादेव? यह
यही अवसर है पुत्र तुम्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का। प्रयास कर पुत्र, बाहुबल से नहीं तो बुद्धि बल से हर संकट से बाहर निकलने की एक युक्ति अवश्य होती है। हमें बस उसे ढूंढना होता है। प्रयास कर। प्रयास करो पुत्र, प्रयास करो पुत्र। अब इन पाछू को पाठ पढ़ाता हूं। बालक समझकर भयभीत कर रहे हो तुम चारों। मूर्ख, बालक ही तो है तू, इसमें इतना समझने की आवश्यकता ही क्या है। अरे तूने गणना तो सही की ही नहीं और चला आया असुरराज तारकासुर के योद्धाओं का सामना करने। ध्यान से देख बालक, ये चार नहीं पांच हैं, पांच। पर मुझे तो तुम चार ही दिखाई दे रहे हो। अच्छा, अवश्य ही तुम में से कोई पतला दुबला अस्थियों का ढांचा होगा, तभी मुझे देखने में कठिनाई हो रही है। उद्दंड बालक, तू किसे अस्थियों का ढांचा बोल रहा है? अब दिखे हम पांच। एक, दो, तीन, चार। और पांचवा मैं। कार्तिकेय सुरक्षित है देवराज। अब आपको विश्वास हुआ देवी कि आपका पुत्र कितना सक्षम है, सामर्थ्यवान भी। अब तो आप ठीक है पार्वती? अभी भी संकट टली नहीं है प्रभु। देखिए अभी भी चार चार असुरों से घिरा हुआ है हमारा पुत्र। दस वर्ष का बालक और इतनी शक्ति। पुत्र कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय।
देवराज, ये क्या? ये असुर तो महाविशाल पर्वत में बदल गया है। इसके सामने कार्तिकेय इतना नन्हा सा लग रहा है, इसका सामना कैसे कर पाएगा ये? इतने बड़े पर्वत को पार कैसे करेगा मेरा पुत्र? बल बुद्धि का प्रदर्शन करना एक बात होती है और मायावी शक्ति से युद्ध करने के लिए बिल्कुल अलग कौशल की आवश्यकता होती है। कोई भी पर्वत इतना बड़ा नहीं हो सकता कि एक पुत्र को उसके माता पिता से मिलने से रोक पाए। यदि तुमने मेरा मार्ग अपने आप नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर। संभव को भी संभव कर दिखाया इसने, केवल शिव पुत्री कर सकता था ऐसा। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय! शिव पुत्र कार्तिकेय की जय! पिछले जन्म में बुरे कर्मों के कारण हम दोनों असुर बन के जन्मे थे, परंतु अब हम अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु, आपने हमारी आसुरी देह का अंत किया, अब हमारे आसुरी जीवन कभी अंत करें? हम अब सेवा और भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, कृपया हमें स्वीकारें। अब से तुम मेरे वाहन के रूप में जाने जाओगे और अरुण शिखा तुम अब से अनंत काल तक मेरी ध्वजा पर आसीन रहोगे। अच्छा, तो इस प्रकार मोर प्रभु कार्तिकेय के वाहन बने। हाँ मूषक जी, जैसे आप मेरे वाहन बने। जानते हैं, भ्राता कार्तिकेय ने अरुण शिखा को एक और दायित्व दिया कि वो सूर्यदेव के उदित होने के पूर्व बांग लगाकर सभी को जगाए और अपना नित्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे।
कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। बस इसी कारण कार्तिकेय को नया नाम मिला मुरुगन। देवराज इंद्र और सभी देवताओं के सामने उन्होंने अपने सामर्थ्य को सिद्ध कर दिया। उन्हें ये विश्वास हो गया कि कार्तिकेय ही वो अतुलनीय योद्धा है जो तारकासुर का संहार करेंगे। सभी उन्हें सृष्टि के रक्षक के रूप में देख रहे थे। शिवपुत्र कार्तिकेय के जय जयकार के नारे वायुमंडल में गूंज रहे थे, किंतु तब कोई ऐसा भी था जिसके मन में प्रसन्नता नहीं आशंका छाई हुई। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। 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 सब शिव पुत्र का ही उल्लेख कर रहे, इसमें मेरा कोई अंश आधार है ही नहीं। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। 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 ये देवी पार्वती कहाँ चली गई? मैं अब समझा प्रभु, आप माता पार्वती की किस पीड़ा के विषय में कह रहे थे। उस पीड़ा के विषय में सोचकर ही मेरा मन उदास हो जाता है। तो माँ को कितनी असहनीय पीड़ा हुई होगी। माँ को ऐसा पुत्र चाहिए था जो उनके साथ रहे, जिस पर वो अपनी ममता न्यौछावर कर सके। परंतु इसके विपरीत भ्राता कार्तिकेय को मात्र शिव पुत्र कहकर ही संबोधित किया गया। ये क्या हो रहा है मुझे? इतना विचित्र अनुभव क्यों कर रही हूँ मैं? मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है, मुझे तो गर्व अनुभव होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए उसकी सफलता देखकर। पर गर्व और प्रसन्नता के साथ साथ मुझे दुख क्यों अनुभव हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बालक केवल शिव पुत्र ही बनकर रह जाएगा? यदि सच में ऐसा हुआ तो यदि इसे मुझसे कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ तो